हेलो राजेश, क्या हाल चाल है भाई? बुलंदशहर में छुट्टियां कैसे बीती? सब अच्छा रहा, पर गाजियाबाद कॉलेज जैसी बात वहां कहा यार। गाजियाबाद शहर में जो एक बार रह लिया ना, उसका बुलंदशहर जैसे छोटे से गांव में ना मन नहीं लगता यार। कोएजुकेशन में लड़कियों के साथ पढ़ने में ना एक अलग ही मजा आता है। तू बता, तेरे क्या हाल है? अरे मेरे तो ठीक है, गांव में तो यार मेरा भी मन नहीं लगा, इसलिए गांव से कल ही भाग आया। कल से कॉलेज खुल जाएंगे, फिर प्यारे मजे ही मजे हैं। लगता है तुझे भी कॉलेज की हवा लग गई है। क्यों नहीं लगेगी बे, अरे हम भी तो जवान हैं। खैर तू बता, कहाँ घूम रहा है? कहीं नहीं यार, मैं तो शनिवार को ही गांव से आ गया था। क्यों, ऐसी भी क्या जल्दी थी? अच्छा बेटा, रश्मि के बिना मन नहीं लगा तेरा? यार रश्मि की बात नहीं है, मकान मालिक की कॉल आई थी यार। उसने एक बखेड़ा खड़ा कर दिया यार, उसका रूम आज शाम को खाली करना है। सुबह से खाक छान रहा हूँ, 5 बज गई पर कमरा नहीं मिला यार। हम बैचलर्स को कोई मकान नहीं देता यार, कहते हैं कि हम तो शादीशुदा को ही रूम देते हैं। अब तू ही बता, हम बैचलर्स औरत कहाँ से लाए? अबे क्या राजेश, अबे रश्मि को ही कॉल कर लेता कि रूम मिलने तक तू मेरी मिसेज का रोल कर ले। अरे मोहन मोहन मोहन, सुन सुन सुन। अबे क्या हुआ? को देख, एक अंकल आ रहे हैं, उनसे रूम के बारे में पूछते हैं ना यार। चुप चुप चुप, मैं पूछता हूँ। अंकल अंकल। क्या मैं? हाँ आप, इसे आप इसी साइड रहते हैं? हाँ बोलो। कई बरस हो गए मैं इसी इलाके में रहता हूँ। हमें ना ऑन रेंट एक रूम चाहिए। वहाँ कौन रहेगा? अंकल मुझे रहना है। क्या करते हो, स्टूडेंट हो? जी सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। अकेले रहोगे? हाँ अंकल, गाजियाबाद की सबसे हैवी प्रॉब्लम यही है कि बैचलर्स को ना कोई रूम ही नहीं देता। पर डियर, इस मकान में सब उल्टा है, जो दुनिया में नहीं होता वह यहाँ होता है। दिन में यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता और रात को रोज जश्न होते हैं। क्या मतलब है आपका, कोई लफड़ा है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पर ये मकान मालकिन थोड़े से रोमांटिक मूड की है। ब्यूटीफुल है ना, तो दुनिया से अलग ही चलेगी ना। अरे अंकल आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ब्यूटीफुल का ये मतलब तो नहीं कि दुनिया से अलग चले। उस घर में एक औरत ही है जो अकेली रहती है, वह नहीं चाहती कि घर में कोई बाल बच्चेदार परिवार रहे। ये तो अच्छी बात है, वो भी अकेली और मैं भी अकेला, वो रूम चलेगा। बताओ अंकल वेयर इज द रूम? अकेले रह लोगे? जी जी रह लूंगा। डरोगे तो नहीं? अंकल हम ठाकुर लोग हैं, हमारी खून में बहादुरी जन्मजात होती है, हम भूतों से भी नहीं डरते, इंसान तो क्या ही चीज है। बड़े बहादुर हो। क्या अंकल, जब वो अकेली औरत रह सकती है तो मेरा दोस्त भी रह लेगा। ए राजेश ले ले यार ले ले, रूम के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरेगा। हाँ तू एक काम कर, आज ही सामान भी शिफ्ट कर ले। अरे मैं हूँ ना, तेरी हेल्प करवा दूंगा। बताओ अंकल रूम कहाँ पर है? सामने वाली गली में चले जाना, सड़क के एंड में राइट साइड का कोने वाला पहला ही हाउस है। ठीक है चल भाई राजेश। चल भाई। अबे राजेश यार ये कैसी जगह है यार, कुछ अजीब नहीं लग रहा तुझे? नहीं यार ठीक ही तो है। अबे देखना ऐसा लग रहा पूरा का पूरा उजाड़ है। खैर हमको क्या करना है, चल 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 अंदर चलते हैं। हाँ अंदर चल पहले। रोहिणी देखना तो बाहर कौन आया है, किरायेदार हो तो रख लेना, तेरे काम आएगा। ठीक है देखती हूँ। गुड इवनिंग, कहिए। मैम हमें किराए पर रूम चाहिए। हाँ मिल जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल। अरे वाह, चलो फिर दिखा दो। देखिए मेरा नाम रोहिणी है, रोहिणी त्रिपाठी, और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मुझे किराएदार ऐसे ही शरीफ बंदे चाहिए जो कि खाते पीते ना हो। अरे क्या मैम, हम खाते पीते घर से जरूर हैं पर खाने पीने वाले परिवार को बिलोंग नहीं करते। सही भाई। ठीक है अंदर आ जाओ, कमरा देख लो। कमरा कहाँ, ऊपर है क्या?
हाँ, और मुझे किरायेदारों का डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हमें यही चल जाएगा। मुझे किराया एडवांस चाहिए। हाँ हाँ, डोंट वरी, मिल जाएगा। पूरे 3,000 लगेंगे, न कम और न ज्यादा। बिना किराया चुकाए तुम लोग यहाँ से जा नहीं पाओगे। यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से हैं और जाते हैं मेरी मर्जी से। हाँ ठीक है, ठीक है मैम, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है, है राजेश? ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मंजूर है। देखो, मैं यहाँ पर रात 9 बजे बाद और सुबह 6 बजे से पहले ही मिलती हूँ। आज मैं थोड़ी सी जल्दी आ गई, लंच में रोज आती हूँ पर किसी से मिलती नहीं। कब तक आओगे? अरे अभी अभी 1 घंटे में हम अपना सामान शिफ्ट कर देंगे। किराया कब चाहिए आपको? किराया? किराया तो पहले ही देना पड़ेगा। पहले? ठीक है, लीजिए इस महीने का एडवांस, गिन लीजिए। नहीं नहीं, मैं पैसा गिनती नहीं, कम होते हैं तो अपने बड़े बड़े नाखूनों से किराएदारों की हाथों से निकाल लेती हूँ। इसलिए तुम लोग हमेशा सावधान रहना। नहीं नहीं मैम, ऐसा ऐसा कभी नहीं होगा। दरअसल मेरा दोस्त जो है वो बहुत ही ऑनेस्ट मैन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं कभी नहीं भी मिलूं तो कॉल बेल बजा दिया करो, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। तुम लोग अंदर आकर अपना सामान इस कमरे में रख देना। वो क्या है ना कि हमारे मकानों में लॉक नहीं लगाते, तुम भी मत लगाना। लॉक नहीं लगाते मतलब कभी कोई चोरी हो जाए तो? चोरी? किसकी मौत आई है जो रोहिणी के मकान से चोरी करेगा? ठीक है मैम, हम अभी आ जाएंगे। अब तुम मेरे किराएदार हो, इस मकान में कभी भी आओ कभी भी जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अब तुम जा सकते हो। हमारे यहाँ रोजाना रात को पार्टियां होती रहती है, जब तक मैं नहीं बुलाऊं तब तक उधर मत आना। दिन में अंदर वाले कमरे खुले देखकर कभी मत घुसना, वरना वापस नहीं आओगे। राजेश, चल यार, चलते हैं। फटाफट वापस भी लौटना है। चल 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 चल। हाँ चल चल। अबे यार क्या हो रहा था यार? यार ये रोहिणी जितनी ब्यूटीफुल है, इसकी ऐसी उतनी अजीब नहीं है। अबे यार मुझे तो गब्बर सिंह लगती है। अबे गब्बर सिंह के साथ तो कालिया, धोलिया और सांबा सारे हंसते थे, ये तो अकेली इतना जोर से हंसती है यार कि सामने वाले की तो पैंट ही गीली हो जाए। भाई साहब आपको एक बात मालूम नहीं है क्या? है ना, जो औरतें बाहर से हार्ड होती हैं, अंदर से वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। हाँ वैसे सही बोल रहा है, ये भी तो कितनी ब्यूटीफुल है ना, पूरी अप्सरा लगती है यार। पहले तो अप्सरा के बारे में सिर्फ सुना ही करते थे, आज पहली बार देखा है। इसकी तो हाई क्वालिटी सिल्की बॉडी है, देखते ही नज़र फिसल जाती है यार। काश एक बार छूकर देखते ना तो मजा ही आ जाता। अबे यार तूने उसकी आंखें नहीं देखी? अबे बिल्कुल मोती के जैसे चमकती हैं, और लिपस लिपस तो बिल्कुल लेड लॉज हैं। लगता है तूने इसकी ब्यूटी की बहुत बारीकी से स्टडी कर लिया भाई। अबे यार मैंने तो इसकी सारी खूबसूरती को आंखों में कैद कर लिया है, अब तो जब जी करेगा देख लूंगा। और सुन, इसका कलर तो ऐसा है कि अंधेरे में भी खड़ी कर दो ना तो अंधेरे में भी पत्ती जल जाएगी। मेरी तो बत्ती बुझ गई भाई। ओए ओए ए रिक्शे वाले, सरस्वती विहार चलेगा क्या? जहां कहो वही ले चलूंगा, तुम कहो तो तुम्हें जहन्नुम में भी ले जा सकता हूँ। अरे बाबा अभी हमको धरती पर रहने दो ना, हाँ जहन्नुम तो किसी और को ले जाना। अच्छा सुनो, सरस्वती विहार का क्या लोगे? अब वैसे तो 30 रुपए लगते हैं, आप 25 दे देना। अबे हमें वापस इधर ही आना है, आने जाने का किराया बता दो एक बारी में। मैं एक ही किराया लेता हूँ,
आप चाहे सरस्वती विहार से यहाँ के 10 चक्कर काटो, मेरा किराया तो फिक्स है। ए बाबा, ये क्या कह रहे हो, 1 चक्कर के भी 25 और 10 चक्कर के भी 25? अबे यार, तेरे जैसा रिक्शा वाला तो हमने पहली बार देखा है। और देखोगे भी नहीं, मुझे इतनी ही भूख है, 25 से मेरा गुजारा हो जाएगा। पहले मेरे पास भी बहुत पैसा था, पर सब छोड़ आया और यहाँ आकर अब रिक्शा चलाता हूँ। हाँ हाँ, बस ठीक है, ज्यादा मत बोल। देख, उस घर के सामने रिक्शा रोक दे, हम अभी सामान रख देंगे, ठीक है? यार राजेश, हमको एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या समझ नहीं आई, हमें बात समझ कर क्या करना है? ये तो शुक्र मना कि उस आदमी ने हमें सही जगह पहुंचा दिया, वरना मकान ढूंढते ढूंढते ना अपने तो 12 ही बच जाते भाई। यार सुन, मुझे ना यहाँ पे थोड़ा डर सा लग रहा है। जो डर गया ना वो मर गया। हमें तो कॉलेज के 2 साल निकालने हैं, समय पर किराया दे देंगे और रह लेंगे। उसने बताया ना कि मुझे समय से किराया मिल जाना चाहिए, फिर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तो बस। बात तो तेरी सही है, पर यार मेरे को ना ये मकान कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। मकान बुरा हो या भला हो, हमें क्या करना है? हमें जो सुविधाएं चाहिए वो सब कुछ है ना यहाँ पर। रहा सवाल अकेले का, तो ये औरत भी तो अकेली रहती है यार, जब उसे ही कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा? ओ तेरे। राजेश, तूने एक बात गौर की क्या? कौन सी बात? अबे जब तूने कॉल बेल पर हाथ रखा था तो अंदर से किसी मर्द की आवाज आई थी, सुनी थी ना तूने? किरायेदार हो तो रख लेना, तेरे काम आएगा। यार वो आवाज तो मैंने भी सुनी थी, पर हम जब उस मैम के साथ अंदर गए ना, तब वहाँ इंसान नाम का कोई जानवर ही नहीं दिखा साला। एक बात और थी गौर करने लायक। वो क्या? उस आदमी की आवाज और पेड़ के नीचे जो आदमी मिला था, दोनों की आवाज डिट्टो, सेम टू सेम। इस मकान में सब उल्टा है, जो दुनिया में नहीं होता वह यहाँ होता है। आवाज की टोन तो एक ही थी, पर वो हमसे पहले कैसे आ सकता था? और अगर उसे यहाँ आना ही होता तो वो हमें भी अपने साथ ही ले आता ना। वो आदमी ये नहीं हो सकता यार, ये केवल डाउट है और कुछ नहीं। मकान भी खाली खाली सा था, वहां ना कोई सामान, ना कोई घर, ना कोई रौनक। अबे यार, अकेली औरत है, कितना सामान चाहिए होगा? रोज लाती होगी और रोज बना लेती होगी। हमारे जैसे थोड़ी है कि 1 महीने भर का सामान एक साथ लेकर पटक लो यार। सबके अपने अपने फंडे, दूसरे के मामले में टांग फंसाकर हमें क्या करना है भाई? ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। मर्जी वाली कोई बात नहीं है भाई, मुझे तो बस टाइम पास करना है और पढ़ाई पर ध्यान देना है। और तू मेरा ध्यान भटका रहा है वैसे। मैं तेरा ध्यान भटका नहीं रहा, तेरे ध्यान को सही दिशा में ले जा रहा हूँ। मुझे तो डर है कि तू कहीं किसी चक्कर में फंस वस ना जाए। चक्कर? अबे कैसा चक्कर, मैं ठाकुर हूँ ठाकुर, किसी चक्कर वक्कर से डरने वाला नहीं हूँ मैं। तू मुझे ऐसी वैसी बातें बताकर डराना चाहता है क्या? अरे ओ, ये डराने वाली बात नहीं है। देख, फिर भी मुझे ये रूम जो है ना तेरे लायक नहीं लग रहा। कोई परेशानी होगी तो फिर बदल लेंगे, तू क्यों चिंता करता है भाई? अभी तो अपना काम निकालना है ना बस, मैं सामान निकालता हूँ और तू उसे रिक्शे में रखवा देना, ठीक है? ठीक है यार। सुन, अंधेरा हो गया, थोड़ा जल्दी करना, फटाफट जा। हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। भगवान, कहाँ फंसा दिया यार। चलो भैया, अपना सामान तो आ गया। अबे क्या यार, सारा सामान आ गया क्या? हाँ, अबे तेरी मम्मी ने जो वो पोटली दी थी उसे तो रख, उठा उठा जल्दी। अच्छा, उठा। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, भूल गया, ला ये ले। अबे इतनी भी भारी नहीं है, रख दे। हाँ, हाँ। चले चलो रिक्शे वाले भैया। ओ राजेश, रिक्शे के पहियों में तो हवा ही नहीं है, ओए चलेगा कैसे ये? अरे बाबू तुम बैठो, रिक्शा जब मैं चला रहा हूँ तो तुम्हें हवा से क्या करना है? देख मोहन भाई, ये सही कह रहा है, जल्दी बैठ वरना देर हो जाएगी यार, रात को तुझे वापस भी जाना है। चल बाबा, तू जल्दी कर। ये लो भैया, आ गया आपका ठिकाना, उतारो अपना सामान और मेरा किराया दे दो। लो बाबा, अपना किराया पूरे 30 रुपए है। अरे छुट्टा दो ना, आज तो मैं अभी आया हूँ, मैं रात को ही रिक्शा चलाता हूँ, मेरे पास छुट्टी नहीं है। अब मैं खुले कहाँ से लाऊं? ऐसा करो, तुम पूरे रख लो, लो। वाह मेरे दानवीर कर्ण, पूरे रख लो। ए बाबा,
एक बात पूछूं, वे रात को इस सोने इलाके में सवारियां कहां से मिल जाती हैं तुम्हें? गुजारे लायक तो मिल ही जाती है। यहां सुनसान सड़कों पर डर नहीं लगता बाबू? रात को लोग हमसे डरते हैं, हमें किसका डर? अरे वाह, बड़ा बहादुर हो। ठीक है एक काम करो, मुझे भी मेरे घर तक छोड़ दो। चलो अभी छोड़ देता हूँ। पहले किराया तो बताओ कितना लोगे? किराया तो बाबू ने दे दिया, अब तुमसे कोई किराया नहीं लूंगा। बड़ा मस्त आदमी है। चलो राजेश मैं चलता हूँ। ओके भाई चल, सी यू। तू नहीं होता ना तो रूम नहीं मिल पाता। अच्छी तरह जाना ठीक है, और पहुंचते ही फोन करना। ठीक है, बाय बाय। चलो भैया बाबा चलो। और रिक्शे वाले मुझे बिठा ले, ले ले 10 का नोट है, मैं थका पड़ा। ए बाबा थोड़ा जल्दी करो ना, लेट हो गया। अरे तो मकान मालिक दरवाजा नहीं खोलेगा यार, जल्दी चलो। ये रिक्शा तो अब ऐसे ही चलेगा, जल्दी जाना है तो पैदल निकल। मैं तो बच्चा हूँ और कितनी तेज चलाऊं। बाबा कहाँ चला गया? रात को जब ग्राहक पटाने होते हैं तो मैं बाबा बन जाता हूँ। मेरा नाम मोनू है। मोनू, रिक्शा इधर किधर ले जा रहा है? ये रास्ता तो जंगल की ओर जाता है, इधर मेरा घर नहीं है भाई। इधर तेरा घर नहीं, मेरा घर है। माँ मेरा इंतजार कर रही है। तू ऐसा कर, मुझे ही उतार दे, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। उतार दो मुझे। ऐसे कैसे उतार दूं? मेरी माँ भूखी होगी। तू है कौन? कितना बोला है, अभी भी नहीं समझा। मेरे जन्म की मैं और मेरी माँ दोनों मर गए थे। माँ और मैं कई दिन से भूखे हैं, आज फंसा है मुर्गा। तुझे देखकर मेरी माँ खुश हो जाएगी। मोनू नहीं, बाबा और मोनू ठीक है। तू ना मुझसे दोस्ती कर ले, मैं तेरे लिए रोज कॉलेज से नए नए बंदे लाके दूंगा। देख तू मुझे यही उतार दे, देख प्लीज मुझे यही उतार दे। मुझे पागल समझा क्या? तेरे तो दांत भी बड़े बड़े हो गए और आंखें भी डरावनी लगने लगी है। मेरे तो नाखून भी पड़े हैं। और इसी से खाता हूँ मैं आदमी का घोस्ट। मेरी माँ का रूप देखेगा तो दीप्ति उड़ जाएगा। अस्पताल पहुंचा दो रे, इस बुढ़िया पर दया करो रे। एक गाड़ी वाले ने मेरी टांग तोड़ दी, हे भगवान। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अरे मुझ पर किसी को दया नहीं आती क्या? ओ बेटा तो मेरी मदद कर दे रे। हाँ माँ जी, आता हूँ, आपकी मदद करता हूँ। ये इलाका भी भूत प्रेतों का हो सकता है, वरना इस समय ये नंगी औरत यहाँ क्या कर रही है? अरे मुझे अस्पताल तक पहुँचा दे। नहीं तो तू कुएं से निकल कर खाई में गिर जाएगा। भाग। अबे ये खूबसूरत सी औरत कैसे हो गई? ये तो बुढ़िया थी। ये तो मेरे ही पीछे दौड़ रही है। क्या करूं? कुछ मत कर, दौड़, नहीं तो ये औरत तुझे नहीं छोड़ेगी। दौड़। लगता है ये मैं शहर पहुंच गया हूँ। अब डरने वाली बात नहीं है, यहाँ रुककर थोड़ी सी सांस ले लेता हूँ। मैं यार किसका फोन है? हेलो, हाँ राजेश बोल। अरे यार मैंने तुझसे कहा था ना कि घर पहुंचते ही मुझे फोन करना, पर तूने फोन नहीं किया। मैं कब से तेरे लिए परेशान हो रहा हूँ यार,
फोन भी तेरा नॉट रीचेबल आ रहा था। तू ठीक तो है ना? अरे यार कुछ मत पूछ, कुछ मत पूछ। आज तो बस जान बची और लाख हो पाए। क्या हुआ? अभी तू कहाँ है? कैसा है? अरे यार कभी तो कम बोला कर, बता दिया ना अभी कुछ नहीं बता सकता। 2-3 घंटे में सुबह हो जाएगी तब बात करता हूँ तुझसे। और सुन, तू भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है। मैं और प्रॉब्लम में? ये क्या बकवास कर रहा है भाई? बकवास नहीं कर रहा, हकीकत है। और सुन, संभल कर रहना थोड़ा, ये कॉलोनी ठीक नहीं है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पहले मुझे घर पहुंचने दे अपने, फिर बताता हूँ। अच्छा रख रख रख, बाय बाय बाय। मोहन पता नहीं क्या कहना चाहता था, उसकी बात समझ नहीं आई यार। रात के 2 बजे किसका प्रोग्राम चल रहा है? बाहर निकलकर देखता हूँ। मिस्टर, मुझसे पूछे बिना तुम इस इलाके में मत आना, वरना वरना क्या हो सकता है? अभी अंदर जाने का प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ, फिर कभी देखेंगे। चल भाई, अपन तो सोते हैं। इस समय किसका फोन हो सकता है? ये मोबाइल भी ना क्या बीमारी है यार, रात हो या दिन कभी चैन नहीं लेने देती यार। अरे ये तो मोहन का कॉल है। हेलो राजेश, यार मेरी हालत बहुत सीरियस है। क्या हुआ? अरे सुन, तू सिटी हॉस्पिटल आ सकता है क्या? हॉस्पिटल में तू क्या कर रहा है? रात को तो तू बता रहा था कि तू ठीक है। देख राजेश, ध्यान से सुन, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। तेरे से बात होने के बाद मैं शहर के किनारे तक पहुंच गया था, पर पता नहीं वहां क्या हुआ, मैं अचेत होकर सड़क पर गिर गया। अरे यार मुझे तो इतना भी याद नहीं कि मुझे हॉस्पिटल किसने पहुंचाया। आँख खुली तो मेरे ड्रिप चढ़ी हुई थी। देख राजेश, जितनी जल्दी हो सके तू सिटी हॉस्पिटल में आकर मेरे नाम से ट्रेस कर ले भाई। ओके। यार अभी तो दिन निकलने में काफी देर है, सुबह सुबह तो कोई साधन भी नहीं मिलेगा। ये कॉलोनी भी शहर से बिल्कुल बाहर है, खिड़की से देखता। अरे कमाल है, अभी तो यहाँ इतनी सजावट दिख रही थी और अब यहाँ कुछ भी नहीं है। ये बात समझ से परे है, खैर जो होगा देखा जाएगा। अजी रात को जनाब की सवारी कहाँ तशरीफ ले जा रही है? मैं मॉर्निंग वॉक पर निकल रहा था, मगर आप कौन? एक मिनट, और आप मुझसे सवाल क्यों कर रही है? मैं शशि उ आधल लाला, यानी शशि उ लाला। मैं यहाँ की होम मेड हूँ, अभी तुम मेरी कस्टडी में हो, जो करो मुझसे पूछ कर करना, वरना वरना क्या? इतना भी पूछने की हिम्मत मत करना। ये इलाका बड़ा खतरनाक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इस समय घड़ी देखिए, अभी तो 3 बजने में भी 10 मिनट बाकी हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी दूर तक हवा खोरी कराता हूँ, सुबह की हवा हेल्थ के लिए ठीक है। इस समय तुम कहीं नहीं जा सकते, लगता है नए माहौल में रात को नींद नहीं आई। क्यों? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आधी रात में उठने का मतलब तो यही है कि आपको इस माहौल में नींद नहीं आई। नींद तो आ गई थी, पर रात के 2 बजे जब आंख खुली तो यहाँ का माहौल बदला बदला सा नजर आया। पीछे नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था, शायद कोई बर्थडे पार्टी होगी। मिस्टर, तुम्हें केवल ये एक रूम दिया गया है, इसके आजू बाजू झांकने का प्रयास मत करना। तुम्हें कोई मतलब नहीं कहाँ क्या होता है और क्या नहीं, वरना। अरे वरना क्या? तुम यहाँ किराएदार हो और किराएदार की हैसियत से ही रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है।
यहाँ के बारे में ज्यादा खड्डे खोदोगे तो एक दिन तुम ही उसी में गिरोगे। सही बताओ, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? अरे कहा ना कि मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था। अजी हमारे यहाँ सबकी आंखों में सीसीटीवी कैमरा फिट है। एक बात ध्यान रखना, अगर तुम नहीं बताओगे तब भी हमें तुम्हारी सच्चाई का पता लग ही जाएगा। जिस दिन झूठ पकड़ा गया वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ऊ लाला। हाँ हाँ ठीक है, चल भाई अपन तो सोते हैं वापस से। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। लो ना गर्मा गर्म चाय पी लो, अब तुम आराम से मॉर्निंग वॉक पर भी जा सकते हो। हाँ व्हाटएवर, चल भैया जल्दी से तैयार हो जा। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, ओए गाना आए या ना आए गाना चाहिए। ये पक्की बात है कि नहाने के बाद ना इंसान को भूख जरूर लगती है। मुझे भी भूख लग रही है यार। मुझे इस घर की ना ये बात ठीक लगती है कि नहाने से पहले ना नाश्ता आ जाता है। अरे वाह, पोहे और दूध जलेबी, ये मेरी मनपसंद डिश है। चल राजेश जल्दी से नाश्ता चेप ले वरना कोई और आ जाएगा। अरे मेरे डिलिशियस, तुम तो ये बताओ लंच कितने बजे लोगे? लंच तो कॉलेज से आने के बाद ही लूंगा। अरे मैं पूछ रही हूँ कि कितने बजे लोगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि कॉलेज से आकर लो या जाने से पहले। मुझे 2 बजे तक लंच चाहिए। ठीक है, मैं 2 बजे तुम्हारा लंच रख जाऊंगी। अरे रिक्शा रिक्शा, अरे बाबा अच्छा रहा जो तुम मिल गए, मुझे हॉस्पिटल छोड़ दोगे? चलिए बैठिए बैठिए, आप तो हमारे पुराने ग्राहक हैं। तुम्हारे जैसे कच्चे घोष वाले बंदे को तो मैं फ्री में भी ले जा सकता हूँ। हेलो राजेश, अबे यार सुबह के 10 बज रहे हैं और तू अभी तक नहीं आया। अरे तू टेंशन मत ले भाई, मैं घर से रवाना हो गया हूँ। हॉस्पिटल में कौन भर्ती है, कोई रिश्तेदार है क्या? कोई नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर दूं? मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से चलो यार प्लीज। तो फिर चलो। ये देखो। अरे अरे बाबा धीरे चलाओ यार, रिक्शा है हवाई जहाज थोड़ी है, इतना तेज क्यों दौड़ा रहे हो, धीरे धीरे धीरे। गिरा दिया ना, कब से कह रहा हूँ कि ठीक से चल, बुढ़ापे में इतना जोश ठीक नहीं है। भैया जी तुमने ही कहा था जल्दी चलो। बुड्ढे दिखाई नहीं पड़ता क्या, टक्कर मार दी। भैया मैं तो बूढ़ा हूँ, आपको ही देखकर चलना चाहिए। वह सामने से तो तू गुस्से जा रहा है, जब हाथ पैर जवाब दे देते हैं तो पता नहीं लोग क्यों सड़कों पर निकल आते हैं, मेरा नुकसान कौन देगा? हाँ भाई साहब आपके नुकसान हुआ है तो इसके भी तो नुकसान हुआ है। भैया मेरे तो रिक्शे का पहिया ही टूट गया, पहले इसे ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे जाऊंगा। यार कोई बात नहीं, अब तो हॉस्पिटल भी अगली गली में ही है, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। अंदर चलते हैं यार। एक्सक्यूज मी प्लीज। यस सर, आपका क्या है? मैम कल एक मोहन नाम का लड़का एडमिट हुआ है, वो कौन से वार्ड में होगा? क्या नाम बताया? मोहन मोहन।
अच्छा अच्छा, आप ऐसा कीजिए, आप सेकंड फ्लोर पर वार्ड B2 में बेड नंबर 7 पर चले जाइए, और हाँ, हमारा माता मत खाइए। हेलो, एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये B2 वार्ड नंबर किधर पड़ेगा? ये तो ट्रोमा है, वो देख उधर टूटा हुआ कूलर दिख रहा है ना, उधर से राइट मारने का। अच्छा अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। अरे यार, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, कहाँ गया। मोहन, ये रहा। कहो मोहन, कैसे हो? अबे यार, क्या बताऊँ तुझे, अबे तू कहाँ था अब तक? तेरे को मालूम है, तुझे छोड़ने के बाद वही रिक्शे वाला मुझे छोड़ने आया था, तू मुझे जंगल की ओर ले गया था, आगे जाते ही वो बुड्ढा बच्चा बन गया राजेश, मैं वहां से भागा और भी नहीं, ये हालत हो गई यार। अच्छा अच्छा ठीक है, रो मत, मैं आ गया ना, अब सब ठीक हो जाएगा, घबराने से क्या होगा, हिम्मत से काम ले मेरे भाई। आजा, राजेश, वो देख, वो देख उसके पीछे, ये वही बच्चा है जो रात को मुझे जंगल की तरफ ले गया था, ये वही बच्चा है। अबे क्या बोल रहा है, मुझे तो वहाँ कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है बच्चा? अबे आंखें फाड़ कर देख, क्या देख रहा है तू? वो देख, वो कंपाउंडर के पीछे के पीछे देख, पीछे देख, वो गया। मेरे भाई तुझे डाउट है, यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है भाई। देख यार राजेश, मेरा दिमाग खराब मत कर, मुझे यहाँ से ले चल यार, वरना ये फिर मुझे ले जाएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख। ठीक है, शांत, ठीक है, मैं भी डिस्चार्ज के लिए बोल देता हूँ। ना, 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 तू कहीं नहीं जाएगा, तू मेरे पास ही रहेगा। देख राजेश, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, बहुत डर लग रहा है। भाई मैं आ रहा हूँ ना, एक बच्चा तुझे कैसे ले जाएगा, डर मत, तू बैठ, मैं अभी आता हूँ, ठीक है। भाई साहब तुम मेरे पेशेंट का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ, ठीक है। भाई साहब आप जाओ, मैं ध्यान रख लूंगा। ये लो मोहन का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ठीक है, अरे मोहन कहाँ चला गया, मैं कहकर गया था कि तू यहीं रहना। अबे यार मैं अभी तेरा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेकर आता हूँ, मैंने उसे बोला था, ये पड़ोस के बेड वाला पेशेंट भी चला गया, अब मैं उसे कहाँ से ढूंढूँ। खिड़की, एक मिनट, ये मोहन किसके साथ है, मोहन रिक्शे में कहाँ जा रहा है, मोहन नीचे जाके देखता हूँ। मोहन, ओए मोहन, अबे कहाँ जा रहा है, और ये कौन है तेरे साथ, अबे इसने तुझे क्यों, मोहन मोहन रुक जा मेरे भाई, अबे मोहन तू कितना भी पीछा कर ले, मोहन तू मेरे साथ ही रहेगा। मोहन अबे रोक रिक्शे को, मोहन सेव, मोहन रुक जा मेरे भाई। भाई साहब बोलिए। वो रिक्शा वाला ना मेरे दोस्त को अगवा करके लेके जा रहा है, यदि आप मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर उस तक पहुंचा दो तो आपका भला होगा, दैट वुड बी रियली ग्रेट। चलिए आप मेरे पीछे बैठ जाइए, रिक्शे वाले को पकड़ना मुश्किल नहीं है। ओके थैंक्स। सॉरी, मेरी मोटरसाइकिल तो पंचर हो गई, अब आपको किसी दूसरे साधन से ही पीछा करना पड़ेगा। अरे यार ये भी अभी होना था। ठीक है भाई साहब थैंक्स। वो देखो, वो एक पुलिस की जिप्सी आ रही है, शायद वो तुम्हारी मदद करे। हेलो एक्सक्यूज मी सर, आइए, मैं आया हेल्प यू। सर एक्चुअली ना एक रिक्शे वाले ने मेरे दोस्त मोहन को अगवा किया है। तुम्हें थाने चलकर पहले रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, उसके बाद ये पुलिस इंक्वायरी करेगी। चलिए जिप्सी में बैठिए। सर तब तक तो पता नहीं वो रिक्शा वाला मेरे दोस्त के साथ क्या करेगा। ये शेर सिंह का इलाका है, हमसे पूछे बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, चलो बैठो।
अरे इस जंगल में तू मुझे कहाँ ले आया? देख नहीं रहा, ये हमारा थाना है। इस जंगल में सरकार ने थाना किसके लिए खोला है? आजकल जंगल में शहरों से ज्यादा वारदातें होने लगी हैं, इसलिए सरकार ने यहाँ थाना खोल रखा है। सामने हमारे छोटे कद के मुंशी जी बैठे हैं। ड्राइवर साहब, जाकर रिपोर्ट लिखवा दो। सर। यस, व्हाट योर प्रॉब्लम इज? किसी ने मेरे दोस्त को किडनैप कर लिया है, रिपोर्ट लिखानी है। रिपोर्ट लिखवाने के 500 रुपीस पहले देने पड़ेंगे। सर, सरकार ने थाना तो जनता की सेवा के लिए खोला है ना? सेवा के लिए हमने कब मना किया है? पर इसके लिए सर्विस मनी तो देना ही पड़ेगा। इसके बिना यह थाना कोई कार्रवाई नहीं करता, समझे ब्रो? सर, रिपोर्ट के बाद मेरा दोस्त मिल तो जाएगा ना? पुलिस सिर्फ कार्रवाई करती है, मिलने की गारंटी नहीं देती। फैशन के दौर में किसी चीज की गारंटी नहीं। मनी दोगे तो रिपोर्ट लिख लूंगा, नहीं तो जिस वे से आए हो उसी वे से चले जाओ। फ्री में तो आज कोल्ड भी नहीं पड़ती। नाउ यू कैन जा। आ जाते हैं बेवजह ब्रेन खाने। मतलब आ जाते हैं बेवजह भेजा खाने। सर एक्सक्यूज मी। रिपोर्ट लिखवा दी। सर हेड साहब लिख नहीं रहे, कहते हैं कि पहले 500 रुपए दो तब लिखूंगा। आजकल लोग हर पैसे को रिश्वत का नाम देकर बदनाम कर रहे हैं, जबकि यह पुलिस का सेवा शुल्क है। कोई बात नहीं, अभी तो बस इतना समझ लो कि तुम्हें रिपोर्ट दर्ज कराकर अपने दोस्त की जिंदगी को जिंदा रखना है। उसके साथ कुछ भी हो सकता है, वह मारा भी जा सकता है। ये मनी वर्ड है डियर, बिना पैसे इस टाइम में कुछ नहीं मिलता। रिपोर्ट से ही घबरा रहे हो? अभी तो गाड़ी में पेट्रोल भी भरवाना पड़ेगा और न जाने क्या क्या खर्च इन्वॉल्व होंगे। इस जंगल के थाने से तो शहर के थाने ही ठीक है, ये तो सरासर अन्याय है। अब निकले ना जेब से नोट, गिव मी द मनी। सर रिपोर्ट के बाद मेरा दोस्त मिल तो जाएगा ना? देख ब्रो, यह किडनैप का मामला है। किडनैप का मामला बड़ा ही सीरियस होता है। किडनैपर्स हमसे पूछ के तो किसी का किडनैप नहीं करते कि जाकर उनसे वापस मांग ले। चलो इंस्पेक्टर साहब के पास चलते हैं। पुलिस केवल इंक्वायरी करती है, मिल जाए तो तुम्हारा लक, वरना जैसे थे। सर रिपोर्ट लिखवा दी। वेरी गुड, अब 2000 रुपए पेट्रोल के ड्राइवर को दे दो। लीजिए ड्राइवर साहब, 2000 पेट्रोल के लिए। पैसे दे दिए सर, अब क्या ऑर्डर है? अब तुम हमारे साथ चल सकते हो। ड्राइवर चलो गाड़ी स्टार्ट करो। नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम राजेश सिंह है। देखिए राजेश सिंह, तुम सिंह हो या गिद्ध, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग किसी जमाने में हमें शेर सिंह कहा करते थे, लेकिन अब हमारी योनि बदल गई। अब हमें गली के जिंदा कुत्तों से भी पहचानने का डर लगता है। हमें और कोई पहचाने या न पहचाने, पर कुत्ते तो पहचान ही लेते हैं। है? सर मैं आपका मतलब नहीं समझा। अच्छा है, जब तक मतलब नहीं समझो, मतलब समझ जाओगे तो तुम्हारी फट जाएगी। सर क्या फट जाएगी? अरे पैंट, और क्या फाड़े। सर हम तो बहुत घने जंगल में आ गए हैं, यहाँ कहाँ मिलेगा मेरा दोस्त? वो सामने चूल्हा से जो धुआं उठ रहा है ना,
हो सकता है तुम्हारा दोस्त वही मिल जाए। आइए इंस्पेक्टर साहब, आज इस गरीब खाने पर कैसे तकलीफ की? अरे कोई काम था तो मुझे कॉल कर देते, बंदी आपकी सेवा में हाजिर हो जाती। तुम्हारे छोरे ने हमारे आदमी को किडनैप किया है, किसकी सजा जानते हो? हमें क्या मालूम कि ये बंदा जनाब का था, आप इसे वापस ले जाएं। हमें पुलिस केसों से बहुत डर लगता है, हम तो आपकी सेवा पाने का बंदोबस्त वैसे ही कर देते। पहले इसे होश में लाओ। मुझे बचा ले राजेश, मुझे बचा ले, ये लोग बड़े गंदे लोग हैं, मुझे यहाँ से ले चल राजेश, ले चल। हाँ हाँ मेरे भाई, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठाकुर साहब, यही है ना तुम्हारा दोस्त, इसे जल्दी से यहाँ से ले जाओ। अब हमारी रात तो मोहिनी देवी के साथ ही गुजरेगी, तुम लोग अब जा सकते हो। हम दोनों को बस अकेला छोड़ दो ताकि मस्तियां शुरू हो जाएं। सर, हम अकेले कैसे जाएंगे? हमें तो यहाँ का रास्ता भी नहीं पता, कहीं भटक गए तो? देखो, 2000 रुपए और लगेंगे, हमारा ड्राइवर तुम्हें शहर तक छोड़ आएगा। सर, मेरे पास अब और पैसे नहीं हैं, कहाँ से दूंगा पैसे? बिना पैसे तो मैं व्यवस्था नहीं कर सकता। सर, 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 मैं दूंगा ना, हमें हमारे घर तक छुड़वा दो, बस मैं दे दूंगा। हमारी हद भी निश्चित है, उससे आगे हमारी गाड़ी नहीं जाएगी। हम हमारी हद तक की तुम दोनों को पहुंचा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ड्राइवर, इन दोनों को काले चौराहे के सफेद मंदिर तक छोड़ देना। चलो यार, अब घर चलो। बैठ बैठ बैठ, चलो ड्राइवर साहब, चलो। ड्राइवर साहब, आपके इंस्पेक्टर तो काफी रंगीन मिजाज के आदमी लगते हैं। एक हिस्ट्री सीटर ने इन्हें गोली मार दी थी, तब से बेचारे ऐसे ही टाइम पास करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेर राजेश, तू चुप रह। ज्यादा इंक्वायरी करके वैसे भी हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं समझता, बेवकूफ कहीं का। नहीं समझता तभी तो पूछ रहा हूँ कि फिर ये इस थाने में किस तरह आए, गोली लगने के बाद कैसे आते हैं ये भी नहीं जानता, कि पुलिस वाले का एक थाने से दूसरे थाने में ट्रांसफर होने पर ही आदमी जाता है। मेरे खाना तो चुप रहा, बस चुप रहा। अरे तो ऐसे कैसे समय कटेगा यार, अभी हमें बहुत दूर जाना है, रास्ता पास करने के लिए बातें ही सबसे अच्छा मीडियम है, समझ? लीजिए, हमारी हद यहां खत्म, अब तुम्हें यहां से पैदल ही जाना पड़ेगा। ड्राइवर साहब, हम आधी रात को अकेले कैसे जाएंगे? हम आपको इतना ही पैसा और दे देंगे, आप हमें आगे तक छोड़ दीजिए प्लीज। दिन होता तो साहब से पूछकर मैं आप लोगों को आगे छोड़ देता, पर अभी रात को मैं हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकता, मेरे खिलाफ एक्शन हो सकता है। अभी मेरी 10 साल की सर्विस बाकी है, सॉरी ब्रोज, आप लोगों को यहीं उतरना पड़ेगा। ऐसे मत कीजिए ड्राइवर साहब, ऐसे मत कीजिए। ड्राइवर साहब, आपका थाना कहाँ रह गया? थाना तो बहुत पीछे रह गया, इस सीमा पर तो मेरा घर है,
यहाँ घर तो दिखाई नहीं देते, यहाँ से थोड़ी दूर होगा ना। वैसे आपका घर कहाँ है? ये जो बगल में पीपल का पेड़ है ना, मैं इसी पेड़ पे रहता हूँ। पेड़ पर कौन रहता है? ड्राइवर साहब। और कहाँ है ड्राइवर साहब? ड्राइवर, ये रहा ड्राइवर। भाग यहाँ से राजेश, इससे पहले कि कोई नई चीज़ बात करूँ। भाग यहाँ से, भाग 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 भाग। मोहन यार, मेरे तो दो तोड़ने वाले हैं, अब मुझसे और नहीं भागा जाएगा यार। रुक जा भाई। अबे यार, तू ना मेरे को पक्का मरवाएगा। देख देख राजेश, यहाँ नहीं रुक सकते, थोड़ी सी हिम्मत रख, बस अब पाँव फटने वाली है, चल। अबे अबे मर जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा, आदमी एक बार ही तो मरता है। ओए, ऐसी जगह मर गए ना तो घर वाले कैसे ढूंढेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि दो दोस्त किस सुनसान जगह पर मर गए। देख भाई, ना मैं मरने से डरता हूँ ना भूत प्रेत से, पर अभी ना मैं दौड़ने से डर रहा हूँ। ये जगह ठीक लग रही है, यहाँ बैठ जाते हैं। बैठ बैठ भाई थोड़ी देर प्लीज। ठीक है, मरना है तो इज्जत की मौत मरो, इन भूतों से मर गए तो कोई नहीं पूछेगा अपने को। राजेश, राजेश, उधर सुन, कैसे भयानक आवाजें आ रही है, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। सूने जंगल में तो ऐसी आवाजें आती रहती है, पत्ता भी हिलता है तो लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। अरे अरे अरे, राजेश राजेश, मुझे बचा ले, मैं गिरा राजेश। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, पकड़ लिया। तू हवा के झोंके से गिर रहा है, हिम्मत रख भाई। थैंक यू यार, लेकिन राजेश ये हवा नहीं थी दोस्त, ये बुरी हवा थी, बुरी हवा। वो क्या है ना, अभी तू नहीं समझता, पता है तुझे, अगर अभी तू नहीं पकड़ता तो पता नहीं ये मुझे कहाँ ले जाती। एक मिनट, तुझे डर लगता है तो तू चला जा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अबे नहीं, तो मरने की ठान ली तो ठीक है भैया, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, यहाँ के पेड़ भी भूत हो सकते हैं, यहाँ के पेड़ भी साथ साथ चलते हैं। राजेश इधर देख। अबे सुन, कौन बातें कर रहा है? उलाला कहाँ है? जी मैम, तुम्हें क्या कहा गया था? किस बारे में? उस किराएदार के बारे में, वो तो कल रात से ही गायब है। कल रात तो वो मेरे पास थे, पर वो और उसका दोस्त दोनों बचकर भाग गए, अब वो सीधे कमरे पर ही आएंगे। मैंने प्रोफेसर को पीछे लगा दिया है। आने दो, अगर वो आ गया तो वापस नहीं जाएगा। याद है ना, मेरा काटा पानी भी नहीं मांगता। ये रोहिणी और उल्लाला तो हमारे बारे में ही बातें कर रही है, लगता है रोहिणी और उल्लाला हम दोनों का पीछा कर रही हैं। मैं रोहिणी नहीं, उसकी जुड़वा बहन मोहिनी हूँ। मोहिनी, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तेरे कहीं कान तो नहीं बज रहे? अरे हो, तू मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करता? देख भाई, मैं जानता हूँ कि तेरी फटी हुई है, तेरे अंदर ना भूत का डर घुस गया है जो अब निकलने से रहा। अबे देख देख, वो बड़ के पेड़ को देख, अभी उत्तर की तरफ था और अब कौन सी दिशा है? हाँ, पश्चिम की तरफ आ गया, देख। अरे यार फिजूल बातों को छोड़, अब हमें चलना चाहिए, तू यहाँ रहेगा तो और डरेगा, मगर अब दौड़ेंगे नहीं भाई, प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आराम से चलते हैं, चल यार। वैसे एक बात बताऊं राजेश, आज अगर तू नहीं आता ना तो भगवान कसम मैं उस औरत की हंडिया में अब तक पक चुका होता। वैसे मेरी लाइफ तेरी गिफ्ट है यार, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू यार। हाँ हाँ ठीक है यार, थैंक यू क्या, वैसे भी औरतों से क्या डरना, तूने उसे पहचाना नहीं, वो रोहिणी जैसी तो थी। कौन? अच्छा वो,
हाँ। अबे मेरी मकान मालकिन की बहन। मैं कैसे पहचानता उसको, बच्चे ने तो मुझे पहले बेहोश कर दिया था। राजेश तूने पहले दिन देखा तो था, वो कितनी सुंदर थी, ये भी उतनी सुंदर थी यार, मेरा तो ना इस पर दिल आ गया है। ओ भाई साहब, ये जो ब्यूटी होती है ना, ये लड़कियों की देखी जाती है, भूतनियों की नहीं। सुन भाई, अगर वो भूतनी भी निकली ना तो भी मैं ना उससे शादी कर लूंगा। ओए पागल हो गया क्या? हाँ यही समझ ले। अरे मेरे भाई समझ क्यों नहीं रहा तू, ये औरतें नहीं हैं, ये चुड़ैले हैं। चुड़ैले? चुड़ैले हैं तो क्या हुआ, खूबसूरत तो है ना। ओए होए होए होए, क्या बात है भाई, क्या बात है। लगता है तुमने कभी वो गाना नहीं सुना है। सुनाऊं? सुना ना। कजरे की धार, ना मोतियों से हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर है चुड़ैले, कितनी सुंदर है। सुना? तू कुछ भी कह ले भाई, जैसे दिल तो दिल होता है ना, वैसे रूप तो रूप होता है। एक बार आदमी के मुंह लग जाए ना तो फिर हटता नहीं है। अरे वाह मेरे प्यारे, क्या बात कही है, है? तो पहले बता देता, तेरे फेरे डलवा देता उससे। बड़ी मुश्किल से तो उसके चंगुल से बचकर आए और ये भाई साहब प्रेमालाप का अलाप राग रहे हैं। अब पहाड़ में जाने दे उसको, अब उसकी बात करनी नहीं है। वैसे ही डर लग रहा है मुझे। डरने की क्या बात है, साइंस भूत प्रेत में कुछ नहीं मानती। अबे साइंस माने या ना माने, पर मैं इन 7 जन्मों तक उसको नहीं भूल सकता। गाड़ी वाला बच्चा, उसकी हंसी, अबे नहीं, मेरे जहन में अब तक याद है रे। कोई भी इंसान ऐसे रूप नहीं बदल सकता भाई। पिछली बातों को सबको भूल जा भाई, मैंने कहीं पढ़ा था कि यदि दो आदमी साथ हो ना तो भूत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा ये जो तेरी ये जो थॉट है ना, इसको अपने पास रख ले। अबे भूत के पास मिस्टर इंडिया वाली घड़ी होती है, जिससे वो कभी दिखता है और कभी नहीं। आदमी कितना भी ताकतवर होगा लेकिन किससे लड़ेगा, सोच। तू सही कह रहा है, मुझे भी ना अब सब भूत ही नजर आने लगे हैं भाई। हाँ? कहाँ है, दिखा क्या तुझे? हाँ हाँ दिखा, मुझे बता किधर है। अबे तू 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 सचमुच मुझे डरा रहा है ना राजेश, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। अरे भाई डर मत, डर मत, ले मेरा हाथ पकड़ ले, भूत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तेरा हाथ? अभी इतनी जोर से नहीं भाई, अगर कोई मुश्किल घड़ी आई भी तो हम दौड़ नहीं पाएंगे। मुझे तो थानेदार और बरगद वाले आदमी की आवाज एक जैसी लग रही थी भाई। अरे भाई ये बरगद वाला कौन आ गया? अब वही जिसने हमें रोहिणी के मकान पर भिजवाया था। सामने वाली गली में चले जाना, सड़क के एंड में राइट साइड का कोने वाला पहला ही हाउस है। बिल्कुल चुप, होठों को सीले। भाई नई नई बातें कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर ला रहा है तू? मुझे लगता है जो हमारे संपर्क में आए हैं ना, ये सब एक बिरादरी के लोग हैं। यानी कि भूत? पर ये सारे के सारे हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? लगता है या तो ये पेड़ चल रहा है या फिर हम चलते हुए भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। मोहन ऐसे नहीं हो सकता। एक घंटे से ज्यादा हो गया है, हम एक जगह पर खड़े खड़े कैसे चल सकते हैं? पता नहीं यार, लेकिन कुछ भी है, इन लोगों ने बहुत बुरा फंसा दिया अपन को आज। ये तो हमें लग रहा है ना। अरे लग ही नहीं रहा, सच कह रहा हूं। देखो भैया मेरी बात सुनो, ये इनका रोज का धंधा है, जब इनके शिकार खत्म हो जाते होंगे ना तो ये फिर नए शिकार की तलाश में निकल जाते होंगे। इसका मतलब यह है कि गाजियाबाद के बाहर इन्होंने अपना परमानेंट अड्डा बना लिया है। फिर तो वहां रिक्शा वाला और बच्चा भी इनके करीब रिश्तेदार ही होंगे। Yes, you got this point. यही तो हमारा दिमाग भी कहता है, ये सारे के सारे बहरूपी हैं, रूप बदलने वाले। हमें रास्ते में जितने भी जिंदा इंसान मिले, सब के सब अकाल मौत मरे हुए कंकाल थे। लगता है तूने भी जो कमरा लिया है वो भी सेम टू सेम डिट्टो है। नहीं 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 नहीं, उस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है यार, अगर होगी भी ना तो हकीकत भी खोल देंगे। यार एक काम करता हूँ, बाजार से आज ही एक शीशा खरीद कर ऐसी जगह लगा दूंगा जहाँ से उनका आना जाना होता है, अगर वो भूत हुए तो उसमें साफ दिख जाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा, अगर ऐसा हुआ भी तो तू वहां से कैसे निकलेगा? तू भी मेरे साथ रहेगा ना? ओए नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भैया,
मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि भूतों की बस्ती में तेरे साथ रह सकूं। मैं नहीं चलूंगा। अरे तुझे कुछ नहीं करना, बस मेरे साथ रहना है। अच्छा ठीक है, लेकिन सुन मुझे मरवा मत देना यार। उस बरगद वाले आदमी ने हम दोनों को शिकार बनाया, तुझे तो मकान देकर कब्जे में ले लिया यार। मुझे वापस छोड़ने के बहाने उस रिक्शे वाले ने रोहिणी के परमानेंट रेजिडेंस पर कैद कर लिया। यार बच, अरे बच राजेश बच, सामने पेड़ है और तू इसमें घुसे जा रहा है। कहाँ है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है अब कोई बात नहीं, लेकिन राजेश इधर से नहीं, अपन मुंडेर से कूद कर चलेंगे। ठीक है? अच्छा ठीक है, चल चल, चल खेत से साइड में हो, साइड में। अबे यार मुंडेर पे चढ़ना, चढ़ना होगा यार। कूद जा। ठीक है। अबे क्या ठीक है? ओए ये पेड़ तो इस खेत के अंदर आ गया। अब क्या करे? तुझे कौन सा पेड़ दिख रहा है? यहाँ तो कोई पेड़ नहीं है। राजेश, राजेश, चुप, सुन, किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है। आने दे, तू उधर ध्यान ही मत दे। रानी, ये दोनों ही बच गए। जाएंगे कहाँ? आएंगे तो मेरे ही घर में। यार, अब क्या करें? तू चुपचाप चलता रहे। ठीक है, लेकिन सुन, बात करता चल, वरना भूत सोचेंगे कि डर गए साले। यार मोहन, भूत भूत कुछ नहीं होता। अच्छा सुन, एक बार की बात बताता हूँ तुझे। बता दे। एक दिन रात को ना, मैं अकेला शमशान घाट के करीब से गुजर रहा था। दिन में? रात को करीब 12 बजे के आसपास की बात होगी। बता दे क्या हुआ था। एक सुंदर सी औरत ने ना मेरा हाथ पकड़ कर कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यार प्लीज मुझे ये कहानी मत सुना, मुझे डर लगता है। डर कैसा? मैं तो भूतों की पार्टी भी अटेंड कर चुका हूँ। अरे यार क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? पता नहीं, अचानक चक्कर आया और मैं गिर पड़ा। अच्छा उठ, ठीक है उठ। यार अब ठीक है। अभी ये एक मिनट, एक मिनट राजेश, उधर देख, उधर, अरे उस साइड देख ना। हाँ हल्की सी लाइट हमारी तरफ आ रही है ना। नहीं मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा, मुझे तो लाइट भी नहीं दिख रही। हाँ यार ये तो कोई आदमी लगता है। इसके सर पर तो सफेद पगड़ी भी दिखाई पड़ रही है, देख देख देख। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पास आने दे साले को, मैं देखता हूँ। अबे यार क्या कर रहा है यहाँ पर भी? झगड़ा नहीं, झगड़ा मत करना, भूत से लड़ना आसान होता है क्या? जब से तूने रूम लिया है तभी से ये साले भूत मेरे भी पीछे पड़ गए। अरे ओ कौन हो, इतनी रात में अठे के करने लाग रहे हो? अरे ठहरो मत अठे, आ धरती चौकी कोनी है, अब भूखी धरती है, रात में ज्यादा कू कू करे है। बाबा आप कौन हो बाबा, और इस वक्त अकेले इधर उधर क्या कर रहे हो? अरे रात ने बहु कड़ी बनाई दी, स्वाद स्वाद में घनी खा गया, ये खाता निपटन को जुगाड़ देख रहे हो। मोहन तू किससे बातें कर रहा है? लो ते भी बीड़ी पी लो। अरे नहीं नहीं बाबा, हमको बीड़ी नहीं पीनी। अरे पी लो नहीं तो कोई थारा प्राण पी जाओगे। अरे बाबा कौन प्राण पी जाएगा, किसमें इतनी हिम्मत है? देखो ना मेरा दोस्त मेरे साथ है। अरे था दोना ना तो मैं एकलो ही गणो, लो आओ कुश्ती खेलना। सुन तू इससे भिड़ मत जाना, ये भी भूत हो सकता है, कहीं हमें लड़ने के लिए उकसा रहा हो। हाँ हाथ जोड़कर माफी मांग ले और निकल यहाँ से। अरे मुझे कुछ नहीं दिख रहा भाई, किससे माफी मांगू, और तू किससे बातें कर रहा है?
तू मुझे देख कर तो हिम्मत करना मत। देख मेरी हिम्मत तो ना उस रिक्शे वाले ने निकाल ली है। मारे से कुश्ती खाकर राजी हो गए थे? राजेश मैं सच कह रहा हूँ, ये भूत है। ये अभी तुझे हवा में उछाल देगा और किसी भी पेड़ पर टांग देगा। ये बूढ़ा, ये खाली बूढ़ा दिखता है नहीं। देख राजेश, ये अपनी मूछों पर ताव दे रहा है, जांघों पर भी हाथ मार रहा है। देख, तू एक तरफ हो जा, अब तू देख मेरा तमाशा। अभी डोखरे को मिट्टी नहीं चटाई ना तो मेरा भी नाम राजेश नहीं। तू मुझे बताए जा कि किस तरफ है वो। ठीक है, वो बिल्कुल मेरे सामने है। अरे यार, वो इस तरफ आ गया, उसने अपने हाथ का लोटा रख दिया। तू उसका लोटा उठा ले। राजेश भाग भाग, राजेश भाग 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 भाग। अरे रुको तो सही, बड़ा भाग रहा हो। जाओ यार जाओ, आज थारो नसीब अच्छो है जो थे बच गया। जब मेरा भाई बंधु आ गया तो थाना छोड़ेगा कोनी। भाग और तेज भाग। ये क्या है? मैंने दोनों को गिरा दिया। ये क्या लफड़ा आ गया? ऐसा लग रहा है किसी ने हमें रस्सी से उलझा कर गिरा दिया है। इन दोनों के हाथ में जो लोटा है वो तो मेरे मरे हुए दादाजी का लोटा है। अबे लोटा फेंक और भाग यहाँ से। भाग भाग, चल 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 चल। कैसे चल रहे? पैदल पैदल भाग। हम भाग रहे, भाग तो रहा हूँ भाई। मोहन यार, तुझे दवा लेते हुए आज 5 दिन हो गए हैं, पर तेरा बुखार नहीं उतरा। और अब उतरेगा भी नहीं। मोहन तेरी आवाज को क्या हो गया? कल तक तो तेरी आवाज एकदम ठीक थी। अब इसकी आवाज ऐसी ही रहेगी। एक बार तो तूने इसे बचा लिया, पर अब नहीं बचा पाएगा। मैंने अब इसके शरीर को अपना घर बना लिया है। कौन है तू? मैं वही मोनू हूँ जो इसे सिटी हॉस्पिटल से ले गया था। अब तेरा दोस्त मैं चाहूंगा वैसा ही काम करेगा। मोनू यार इसे छोड़ दे, वरना ये मर जाएगा। तू मुझसे जैसा चाहे ना वैसा काम करवा ले, पर प्लीज इसे छोड़ दे। पागल समझाए क्या? जन्म पत्री के हिसाब से तेरे गण तो देवता का है। मैं तो तेरे शरीर पे आ नहीं सकता। तेरे दोस्त का गण और मेरा गण एक है, यानी कि राक्षस वाला। अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। मैं तेरी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, पर तू इसे छोड़ दे। नहीं, मैं इतना बोला नहीं हूँ जितना तूने समझ लिया। अब इसके शरीर से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। ऐसे तो ये बेचारा मर जाएगा यार। मरना तो एक दिन सबको है, कोई पहले मरता है कोई बाद में। ये तो तब मरेगा जब मैं चाहूंगा। देख ऐसे तो इसकी पढ़ाई भी खराब हो जाएगी, इसका फ्यूचर बिगड़ जाएगा। अब इसका प्रेजेंट भी मैं हूँ और फ्यूचर भी। ये तुम्हारे पास रहेगा जरूर, पर मेरा ही कमांड मानेगा। मोहन का फोन आ रहा है, एक मिनट। हेलो, अरे मोहन कितने दिन हो गए रे, ना तो तन्ना फोन करया ना अपने हाल चाल बताए। अरे बेटा तू ठीक तो है ना? मैं मोहन का दोस्त राजेश बोल रहा हूँ, इसकी तबीयत बहुत खराब है, आप लोग यहाँ आकर इसे संभाल लो। मेरा मोबाइल नंबर भी नोट कर लीजिए। छोड़ इसका मोबाइल, खबरदार जो तूने इसे अब छुआ भी तो। इधर ला मोबाइल। हेलो, हाँ बोलो, मैं मोनू, हाँ किससे बात करनी है? मैं मोहन का पापा बोल रहा हूँ, मुझे मोहन से बात करनी है। अब मोहन तुम्हारा नहीं, मेरा बेटा है, तुम्हारी उससे बात नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती? वह मेरे कब्जे में है, इसे मुझसे कोई नहीं छुड़ा सकता। बंद करो मोबाइल, मेरे पास इतना समझाने का टाइम नहीं है। कह रहा है कि मैं मोहन का बाप बोल रहा हूँ, उसे नहीं पता कि मोहन अब मेरा बेटा है। मोनू हमसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज हमें माफ कर दे, पर इसे छोड़ दे, इसके घर वाले भी पजल हो रहे होंगे। उनकी पजल टेस्ट से मुझे क्या लेना, बड़ी मुश्किल से एक शिकार फंसा है। अब यही मेरा घर परिवार और यही मेरी फैमिली है। मोनू ये बता कि तू उसे कैसे छोड़ेगा? कैसे भी नहीं, अभी मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, तू मेरे पीछे बताना। अंकल मैं मोहन का दोस्त राजेश बोल रहा हूँ। अरे राजेश मेरा मोहन कैसा है? वो ठीक नहीं है,
आप गाजियाबाद आ जाइए, हम भूत प्रेत के चक्कर में फंस गए हैं। आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो, 7597925 7। आप यहाँ आकर इस नंबर पर कॉल कर लेना। ठीक है रे भाई, हम भी रवाना होंगे यहाँ। हम जादे, तू अपने आदत से मजबूर है, तुझे मना किया था ना कि इसकी किसी भी चीज की हाथ मत लगाना। अब ठीक है, अब लगा तो मोबाइल के हाथ, अब कोई दिक्कत नहीं। चल मोहन बेटे, मुझे शहर घुमा कर ला, चल चल चल। ले रे भाई, गाजियाबाद तो पहुंच गया, अब राजेश ना फोन कर लूं। राजेश बेटे, भाई मैं गाजियाबाद आ गया, इब कीताना है। अंकल, आप वहां से ऑटो या रिक्शा से गाजियाबाद के बाहर वाली लकी कॉलोनी के प्लॉट नंबर 705 पर आ जाओ। मेरा मोन तो ठीक है ना? वो तो यहाँ से चला गया। अरे किस चला गया? पता नहीं अंकल, उसके शरीर में एक बुरी आत्मा घुस गई है, वही उसे शहर की ओर ले गई है। हैं? बुरी आत्मा? अरे यो किससे लिया या? ठीक है भाई, इब भी आऊ हूँ। अरे ओ रिक्शा वाले भाई, रुकिए रे। अरे ठाम जा, लकी कॉलोनी चलेगा। बैठिए बैठिए, अभी ले चलता हूँ लकी कॉलोनी। लो भैया, आ गया आपका ठिकाना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई तेरा। ले अब राजेश ने ढूंढू, कौन सा मकान बताया था उसने, आवाज ही मार लियो। अरे राजेश, ओ राजेश। अंकल मैं ही राजेश हूँ। बाबा तुम? इधर केवल मेरा ही रिक्शा आता है, दूसरा कोई व्हीकल अलाउड नहीं है। बाबा तुम्हारा मोनू मेरे दोस्त को पता नहीं कहाँ ले गया। मैं मोनू ही तो हूँ, पर अफसोस कि तू मुझे देख ही नहीं पाया। हमारे मोहन को कहाँ छोड़ाया? वह तो रास्ते में बेहोश हो गया था, मैं उसको वही छोड़ आया। अरे अरे राजेश बेटे, अरे भाई मैं कुछ नहीं समझ पा रहा, ये बात कर रहे हो था मैं? आओ अंकल, हम पहले मोहन को ढूंढने चलते हैं। अरे भाई उसने ढूंढा गया किस तरह? मुझे पता है वो कहाँ जा सकता है, आप चलिए मेरे साथ। अरे राजेश थाम रे, अरे यो एक आदमी पड़े है, अरे देख रहे हो मेरा मोहन या तो कोनी? अरे हाँ। अरे वो बेटे ले, उठा इसने, उठा यार। हाँ हाँ जी अंकल, आप वहाँ से पकड़िए, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ। चलिए चल, अब इसका इलाज की तो होगा, उसकी जगह मन्ना मेरा है, चल लेकर चलना इसने। अबाल बबाल को मार तू, इस बच्चे को बचा तू। अबाल बबाल को मार तू, इस बच्चे को बचा तू। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। बच्चा, इस शरीर में तो बहुत बुरी आत्मा है, इसके लिए तो दूसरा उपाय करना होगा। जय काली कलकत्ते वाली, इसका बदन कर दो खाली। जय काली कलकत्ते वाली, इसका बदन कर दो खाली। नहीं, मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे क्या पता कहाँ जाएगी, चल निकाल निकाल इधर से। जय महाकाली। तो बाबा, बाबा प्रणाम। बाबा देखिए मेरा छोरा ना क्या हो गया। बता बच्चे तुझे क्या तकलीफ है? महाराज मेरे दोस्त को बुरी आत्माओं ने परेशान कर रखा है। इसे इधर लिटा। अभी तो इसमें कोई आत्मा नहीं है। महाराज अभी तो ये बेहोश हो गया था। हेलो राजेश, क्या हाल चाल है भाई? बुलंदशहर में छुट्टियां कैसे बीती? सब अच्छा रहा, पर गाजियाबाद वो खुद ही निकल कर चली गई होगी।
ठीक है, अभी ही इसका उपाय कर देता हूँ। एक ताबीज बनाना पड़ेगा। इस ताबीज के बाद वो आत्मा इसे नहीं सताएगी ना? बिल्कुल नहीं, मेरा ताबीज ही 50,000 का पड़ेगा। क्या गया 50,000? बाबा मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 50,000 तो बहुत बड़ी रकम बताई दी। कोई बात नहीं, मैं कोई सस्ता उपाय कर दूंगा। पर क्या महाराज? उससे अभी वाली आत्मा तो नहीं आएगी, पर दूसरी आत्मा फिर भी सता सकती है। बाबा इब्बी तो यो इलाज कर दे भाई, देखांगे बाद में जो होगा हो जाएगा। अबाल बबाल को मार तू, इस बच्चे को बचा तू। अबाल बबाल को मार तू, इस बच्चे को बचा तू। जय काली कलकत्ते वाली, इस बच्चे को बचा तू। ले बच्चा, इस ताबीज को इस बच्चे को 7 बार छुआ देना और बाई बुझा पर बांध देना। मेरे शरीर से किसी ने कुछ बांधा तो इस शरीर पर सिर्फ मेरा हक है। हाँ? लगता है इसमें कोई दूसरी आत्मा आ गई है। नहीं महाराज, ये वही बच्चा है जो इसे कई दिनों से परेशान कर रहा है। यही तो बुरी आत्मा है, इस पर तो सस्ता इलाज नहीं चलेगा। तो महाराज? इस पर तो 50,000 का इलाज ही करवाना पड़ेगा। बाबा ये टाबर तो उरा पढ़े है, और भाई मारे तो रहे इतने पैसे तो अभी को नहीं। 50,000 तो लाने ही पड़ेंगे, नहीं तो बच्चे की जान को खतरा है। अभी तो मैं टेम्परेरी इलाज कर देता हूँ, पर परमानेंट इलाज के लिए तो 50,000 ही लगेंगे। जय काली कलकत्ते वाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, तोड़ दुश्मन की नाली। नहीं बचेगी तेरी घरवाली, नहीं बचेगी तेरी घरवाली, नहीं बचेगी तेरी घरवाली। लो ये नया ताबीज, पहले उसकी दाहिनी भुजा पर बांध दो, पहले वाला बाई बुझा पर बांध देना। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो। ले जाओ इसे, पर यह इसका परमानेंट इलाज नहीं है। पर जैसे ही यह दूसरी आत्माओं के कांटेक्ट में आएगा, इसे फिर से वैसी ही परेशानी हो जाएगी। गाजियाबाद में क्या करते हो? बाबा यह टापर तो उरा का कॉलेज में पढ़े है। पढ़ाई कर रहे हैं तो बस पढ़ाई ही करें, इधर उधर की बातों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रहते कहाँ हो? लकी कॉलोनी में। दरअसल वह अनलकी कॉलोनी है, मेरे पास वहाँ के और भी केस आए हैं। तुम लोगों को वो जगह खाली कर देनी चाहिए। पर क्या? उस कॉलोनी में पहले इंसान रहते थे, पर अब नहीं। अब वहाँ कौन रहता है? अब केवल रोहिणी रहती है। रोहिणी तो बहुत अच्छी लेडी है। कितनी अच्छी और कितनी बुरी है सब मालूम हो जाएगा। ये लो ताबीज। यार तू मुझे कहाँ ले आया? तेरा इलाज कराने के लिए भाई। अच्छा, अरे पापा, पापा आप कैसे आए यहाँ पे? मोहन, मोहन तू आ गया होश में? अरे भाई तू बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया था, तन्ना संभालने खातर आया था भाई। मैं बीमार था? मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यार राजेश, इस सिटी हॉस्पिटल वाला बच्चा मुझे देखकर हंस रहा है, ये यहाँ क्या कर रहा है? अब ये बच्चा तुझे दिखेगा तो सही, पर तेरा कुछ नहीं करेगा। अरे अरे मोहन कहाँ जा रहा है? मोहन, मोहन भाग क्यों रहा है? मोहन।